अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन. बहुत बहुत मुबारक आप लोगों को 2024 की. बहुत सारी शुभकामनाएं आप सबको. इस साल आपकी सारी विशेष पूरी हों. जो भी आप डिजर्व करते हैं आपको ईश्वर ज़रूर दें. जो भी आप चाहते हैं अपने लाइफ से आपको ज़रूर मिले. बहुत सारी खुशियाँ अबंडेंस आप सबके लाइफ में आए, मेरी यही प्रार्थना होगी इस बार. सो आज के दिन हम देखेंगे आपके और आपके पार्टनर की फीलिंग्स. आप दोनों एक दूसरे से क्या चाहते हैं, ठीक है? आप उनसे क्या चाहते हो और आपके पार्टनर आपसे क्या चाहते हैं, हम यही चेक करेंगे. ये रीडिंग आप किसी भी रोमांटिक रिलेशनशिप में अगर किसी इंसान के साथ हैं तो उनका नाम सोचकर आप देख सकते हैं. चाहे आप क्रश के लिए देख रहे हो, एक्स के लिए देख रहे हो, करंट पार्टनर के लिए देख रहे हो, किसी के लिए भी देख रहे हो, ठीक है? सो हम चेक करेंगे आपके और आपके पार्टनर की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए क्या है और आप दोनों एक दूसरे से क्या चाहते हैं. सो ये पिकअप आइल रीडिंग है. आपको अपनी राशि फल के हिसाब से ये रीडिंग देखनी है. सो ग्रुप वन में लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी एरिस लियो सैजिटेरियस हैं और ग्रुप टू में टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न और कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस हैं, ठीक है? सो आपकी जो भी राशिफल है आपको उसके हिसाब से ये रीडिंग देखनी है. अगर आप एयर साइन और फायर साइन है तो आपका ग्रुप वन होगा. अगर आप वाटर साइन या अर्थ साइन है तो आपका ग्रुप टू होगा, ठीक है? अब इस राशि को आप कैसे देखोगे, अपने नाम के अकॉर्डिंग देखें, मून साइन से देखें अपने नाम के अकॉर्डिंग. अब कुछ लोग ये कहेंगे कि हमें अपना नाम नहीं रखा है कुंडली के हिसाब से. तो जिस नाम से आपको बुलाया जाता है वो नाम बहुत पावरफुल होता है, बहुत इम्पैक्ट उसका आपके लाइफ में पड़ता है. सो आप जिस नाम से ज़्यादा बुलाए जाते हो उस नाम से ही आपको देखना है. आपको अपने नाम के अकॉर्डिंग देखना है ये रीडिंग, ठीक है? सो आई होप कि आपने अपना ग्रुप चूज कर लिया है. हम जाएंगे ग्रुप वन के साथ जो है एयर साइन और फायर. हेलो टू ग्रुप वन. तो जिनकी भी राशि एयर साइन और फायर साइन है, लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी एरिस लियो सैजिटेरियस राशि अगर आपकी है तो हम देखेंगे ये आपके और आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है और आप दोनों एक दूसरे से क्या चाहते हो, ठीक है? फ्रेंड प्लीज गाइड मेरे एयर साइन और फायर साइन के व्यूअर्स, उनके पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे डिवाइन, क्या चाहते हैं वो मेरे व्यूअर्स से. प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज, वन मोर टाइम प्लीज. ओवरऑल बॉटम ऑफ द डेक की जो एनर्जी है वो सक्सेस की है. ओके, ओवरऑल के इंसान सक्सेस जरूर चाहते हैं. मेरे व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या है डिवाइन, मेरे व्यूअर्स क्या चाहते हैं अपने पार्टनर से. प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं डिवाइन, वन मोर टाइम प्लीज. The lovers, wow. Four of wands, the sun, beautiful. क्या बात है, आप लोगों की एनर्जी बहुत अच्छी है. The devil, my goodness. So मेरे व्यूवर्स जो हैं वो बहुत ग्रो किए हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है. बहुत ज़्यादा ग्रो किया आप लोगों ने. Okay. Some more guidance, please, divine. Some more guidance, please. One more time, please. Change, beautiful. Letting go, totality, beautiful. ट्रैवलिंग, आइसोलेशन की एनर्जी यहाँ है. ओके, सो ग्रुप वन, आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं लियो, लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी एरिस लियो सैजिटेरियस टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न. जेमिनी बहुत स्ट्रांग दिख रहा है मुझे यहाँ पे, ठीक है? और लियो बहुत स्ट्रांग दिख रहा है. नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो हैं 3, 19, 9, 3, 5, 7, 1, 6, 6, 4, 15, 5, 6,
10, 7, 8, 5, 8, 8. ब्यूटिफुल अबंडेंस की एनर्जी है. देखिए इतने सारे नंबर्स हैं क्योंकि इतने सारे कार्ड्स निकले हैं. अब आप लोग पूछेंगे नंबर क्या है, तो नंबर्स तो सारे आते हैं, कार्ड्स भी सारे ही आ जाते हैं, तो ये ऑल साइंस रीडिंग ही आप समझें, ठीक है. देखिए आपके पार्टनर जो है ना वो ओवरऑल आपके साथ एक पॉजिटिविटी, रीयूनियन, एक हारमोनी ज़रूर चाहते हैं. जैसा उनकी एनर्जी है, ये एक फ्रेश एनर्जी चाहते हैं आपसे, ठीक है. पास्ट की कोई चीज़ें दोहराई ना जाए या फिर पास्ट की चीज़ें रिपीट ना हो, ऐसी एनर्जी, ये फ्रेश एनर्जी चाहते हैं आपसे, ठीक है. बहुत सब कुछ अच्छा, पॉजिटिव, अच्छी वाइब्रेशन, ऐसा चाहते हैं ये, ओके. सिक्स ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है. इक्वल गिव एंड टेक भी चाहते हैं इंसान, ठीक है. सो आपके साथ ये इंसान जो है ना, जो भी अप डाउन्स आप दोनों के बीच में होते हैं, लेकिन ये इंसान एक बैलेंस क्रिएट करना ज़रूर चाहते हैं. एक पॉजिटिविटी, एक सक्सेस, एक अच्छी वाइब्रेशन, एक हार्मनी ज़रूर चाहते हैं. ओवरऑल इनको आपके साथ सक्सेस चाहिए, ऐसी एनर्जी इनकी. फीलिंग्स इनकी ऐसी है ना, गिल्ट वाली एनर्जी है, गिल्ट, ठीक है. क्योंकि पास्ट में इन्होंने आपका दिल तोड़ा है और चीज़ें चाह के भी सही नहीं हो पा रही हैं, या बहुत कोशिश करने के बाद भी ये चीज़ों को सही नहीं कर पाए हैं. सो इसलिए गिल्ट की एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पे, ओके. लेट्स क्लैरिफाई इट. डिवाइन क्यों है यहाँ नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी. टू ऑफ कप्स, ये ना म्यूचुअल नहीं रह सके आपके साथ. लाइक जिस तरह से आप इनको प्यार कर रहे थे, आपके दिल में जिस तरह से फीलिंग्स थी, आपके इमोशंस जैसे थे, आपने एफर्ट्स जैसे लगाए, वैसे ये इंसान एफर्ट्स नहीं लगा पाए. उनका एक गिल्ट इनके अंदर दिख रहा है, ठीक है. ये इंसान प्यार, इनके दिल में प्यार बहुत है, प्यार ज़रूर करते हैं ये इंसान आपसे. सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी, हमेशा आपके साथ यूनियन भी चाहते हैं, या फिर इस टाइम पर यूनियन चाहते हैं ये इंसान. और इनको गिल्ट ये है कि ये आपसे कनेक्टेड रहना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, यूनियन चाहते हैं. म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ ये इंसान रिश्ते को सक्सेस करना चाहते हैं, लेकिन ये कर नहीं पाते हैं. उसका एक गिल्ट इनके अंदर है, फीलिंग्स में दिख रही है, ठीक है. कि ये चाह के भी कुछ कर नहीं पाए, म्यूचुअल नहीं रह पाए आपके साथ. जिस तरह से आप इनके साथ अपना एक्सप्रेस, आप जिस तरह से एक्सप्रेस कर रहे थे अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, वैसे ये नहीं कर पाए. सो ये सारी चीज़ों का गिल्ट इनके अंदर दिख रहा है मुझे, ठीक है. थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, इंटेंशन में क्यों है डिवाइन. फोर ऑफ वॉन्स एंड एस ऑफ वॉन्स की एनर्जी है. देखिए ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि ये इंसान किसी और से मैरिड है, और ये इंसान या फिर आप किसी और से मैरिड है, तो इनको आपके साथ पूरी तरह से कनेक्ट होने के लिए किसी का दिल तोड़ना होगा, ठीक है. या तो आपको किसी का दिल तोड़ना होगा, या फिर इस इंसान को किसी का दिल तोड़ना होगा आपके साथ कनेक्ट होने के लिए. मतलब किसी एक को छोड़ के या तो इनको आपके पास आना होगा, या तो फिर आपको किसी को छोड़ के इनके पास आना होगा, जो इनको लग रहा है कि किसी का दिल टूटेगा, आप दोनों के मिलने से किसी का दिल टूटेगा, ठीक है. सो ये इंसान आपसे मैरिज जरूर करना चाहते हैं, एक स्टेबिलिटी ज़रूर चाहते हैं आपके साथ, एक न्यू बिगनिंग ज़रूर चाहते हैं, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि इनके ऐसे करने से किसी का दिल टूट सकता है. अब ये किसी का दिल जो है वो इनके पेरेंट्स हो सकते हैं, या फिर यू नो आपके, आप दोनों के स्पाउस हो सकते हैं, या फिर कोई ऐसा इंसान जिसका दिल टूटेगा ये इंसान जब आपके पास आएंगे, तो ऐसी एनर्जी दिख रही है. सो इनके फीलिंग्स इनकी ऐसी है कि ये इंसान जो है आपसे कनेक्टेड होना ज़रूर चाहते हैं, लेकिन कुछ मजबूरियाँ हो सकती हैं इनके, जिनके चलते ये आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं, या फिर आपसे मैरिज नहीं कर पा रहे हैं, या फिर इस रिश्ते में एक स्टेबिलिटी नहीं लेके आ पा रहे हैं. इनकी एनर्जी ऐसे दिख रही है, ठीक है. फाइव ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ क्यों है डिवाइन. ये आपकी एनर्जी है, मे बी आप इनसे बहुत झगड़ा करते हो, बहुत लड़ते हो, या फिर बहुत लड़ा है अपने पास्ट में. ये इंसान चाहते हैं कि नहीं, आपसे लड़ना चाहते हैं इंसान, ठीक है. ऐसी एनर्जी है, आपसे लड़ना चाहते हैं. सो किसी का दिल, मतलब आप किसी के लिए आपका दिल उन्होंने तोड़ा है, या फिर आप इनसे लड़ो, ये ऐसा चाहते हैं कि आप इनसे लड़ो, ठीक है. जो आपका दिल इन्होंने तोड़ा है, एक न्यू बिगनिंग करो आप, ठीक है. आप एक न्यू बिगनिंग करो इनसे, लेकिन लड़ो लेकिन आप न्यू बिगनिंग करो. मतलब आप इनके पास आओ और कम से कम लड़ने के लिए आओ. क्यों? क्योंकि आपका दिल उन्होंने तोड़ा था पास्ट में. सो वो लेके ही आप इनसे लड़ो और आर्ग्यूमेंट करो, इनको खरी खोटी सुनाओ, मारो पीटो, जो भी करो, लेकिन एक न्यू बिगनिंग ज़रूर करो आप. ये आपसे ये चाहते हैं, ठीक है. ऐसी एनर्जी दिख रही है. सो ये इंसान जो है चाहते हैं कि भले ही आप लड़ने के लिए आओ, लेकिन आओ. सो एक गाना है ना, फिर से मुझे छोड़ जाने के लिए रंजिश ही सही, वो एनर्जी दिख रही है मुझे. रंजिश ही सही, दिल ही दुखाने के लिए ऐसी ना जी.
बहुत पेशेंसली वेट कर रहे हैं। दोनों की डेविल की एनर्जी है यहाँ पे, जो कि ऑब्स्टिकल दिख रहा है। आप दोनों ही एक दूसरे से ऑब्सेस्ड हैं, ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है मुझे। ऑब्सेस्ड मतलब एक दूसरे के बिना आप दोनों की ज़िंदगी नहीं है, ऐसी सोच आपकी है। मतलब आपको लगता है ऐसे कि आप दोनों ही दूसरे के बिना नहीं रह पाएंगे, मतलब आप एक दूसरे के लिए ज़रूरी हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, सो ये आपका वेट कर रहे हैं जो कि ऑब्स्टिकल दिख रहा है, बहुत ऑब्सेस्ड होकर कर रहे हैं ये, और ज़्यादा ऑब्स्टिकल उनको लग रहा है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ऑब्सेशन है और आप नहीं आ रहे हो, जिससे इनका दिल टूट रहा है। सो ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, यू नो ये चाहते हैं कि आप पेशेंटली इम्पेशेंटली इनके टुवर्ड्स आप एक्शन लो, एकदम बिना सोचे समझे एक्शन लो, ऐसे चाहते हैं ये, जो कि नहीं हो पा रहा है। ठीक है, सो ये इंसान आपसे आपको मैनिफेस्ट करते दिख रहे हैं। ये इंसान अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कैसे कर रहे हैं आपके साथ, ये इंसान स्टेबिलिटी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सक्सेस को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। माय गुडनेस, आपसे मैरिज करने के लिए ये इंसान मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी इनकी है। देखिए आपके कार्ड्स जो है ना, वो बहुत ज़्यादा सुलझे हुए से कार्ड्स हैं आपके। क्यों? क्योंकि आपके मन में जो रहता है आपके मुंह में वही रहता है। इनके कार्ड्स बहुत अलग दिख रहे हैं, अंदर कुछ और है इनका। जो दिख रहा है वो नहीं है सच्चाई, जो अंदर है वो है सच्चाई। कार्ड्स जो दिख रहे हैं वो बिल्कुल ऑपोजिट हैं इनके फीलिंग्स से, और इनकी फीलिंग्स बहुत ऑपोजिट है जो ये दिखा रहे हैं। सो बहुत डिफरेंसेस है आप दोनों की फीलिंग्स में और एनर्जी में। आपको जो चाहिए आप वही दिखा रहे हो, लेकिन ये इंसान इनको चाहिए कुछ ये और कुछ दिखा रहे हैं। सो ये इंसान जो है ना, आपके साथ मैरिज करने के लिए, आपके साथ फैमिली बच्चे प्लान करने के लिए आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपके साथ ये इंसान सक्सेस चाहते हैं, ज़िंदगी जीना चाहते हैं आपके साथ, सोसाइटी में आपको एक टैग देना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, लड़ना चाहते हैं लोगों से आपके लिए, ठीक है, अपनों से लड़ना चाहते हैं, ऐसी एक एनर्जी इनकी है आपके लिए। बहुत ज़्यादा अलग एनर्जी जो दिख रही है, इनकी एनर्जी वो बहुत अलग है इनकी फीलिंग से, जो फीलिंग्स है उससे बहुत अलग ये दिखा रहे हैं, कहने का मतलब ये है। ठीक है, सो ये इंसान आपके साथ सक्सेस वक्सेस सब कुछ चाहते हैं, फैमिली बच्चे स्टेबिलिटी सब चाहते हैं, रीयूनियन सब कुछ चाहते हैं, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि आपके पास आने के लिए इनको किसी का दिल तोड़ना होगा। ओके, ऐसा दिख रहा है। आपकी जो एनर्जी मैं देख रही हूँ, आपकी एनर्जी बहुत क्लियर है। आप इस इंसान के लिए, आपके मन में बहुत प्यार है, अनकंडीशनल लव है, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स इनके लिए आपके मन में हैं, और आपको एक ऐसा फील होता है कि आपका इनके साथ कोई पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, क्योंकि आपने मूव ऑन बहुत करने की कोशिश की, फिर भी आप इनसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। सो आप इनके साथ मैरिज बच्चे यू नो सब कुछ, आपकी फीलिंग्स ऐसी है कि आपको स्टेबिलिटी चाहिए, आपको अपने फ्यूचर में ये इंसान ज़रूर चाहिए एक अच्छी एनर्जी में। ठीक है, आप इनके साथ मैरिज करना चाहते हो, बच्चे प्लान करना चाहते हो, आप इनके साथ स्टेबिलिटी चाहते हो। अगर पॉसिबल नहीं है मैरिज तो कम से कम स्टेबिलिटी चाहते हो, स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी, जो कि हमेशा आप दोनों कनेक्टेड रहें, आप दोनों कभी अलग नहीं हो, ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है। इंटेंशन भी आपके ऐसे ही हैं, आप बहुत सक्सेस चाहते हैं इस रिश्ते में, आप खुश रहना चाहते हैं, पॉजिटिव होना चाहते हैं इस इंसान के साथ, ऐसी एनर्जी है आपकी। ठीक है, इनसे क्या चाहते हो आप चाहते हो कि ये इंसान जो है प्रैक्टिकली हमेशा एफर्ट्स नहीं लेके कभी इमोशनली भी एफर्ट्स ले, अपने इमोशन को एक्सप्रेस करें, इमोशनली आपके साथ कनेक्ट हो, आप इनसे ये चाहते हो। यहाँ पे आपके साइड से भी मुझे जो ऑब्स्टिकल दिख रहा है ना, वो ऑब्सेशन दिख रहा है। आपका जो ऑब्सेशन है वही आपके लिए ऑब्स्टिकल है। ओवर ऑब्सेस्ड हो आप इस इंसान के लिए, ओवर पोसेसिव हो इस इंसान के लिए, जो कि ऑब्स्टिकल है। आपको भी पता है कि ये ऑब्स्टिकल है। ठीक है, इतना ज़्यादा पोसेसिवनेस या फिर इतना ज़्यादा ऑब्सेशन अच्छा नहीं है, लेकिन आप ओवर अटैच्ड हैं इनसे, इतने अटैच्ड है कि आपको लगता है कि इनके बिना आपकी ज़िंदगी नहीं कटेगी, आपकी ज़िंदगी नहीं कटेगी, और इनको भी यही लगता है कि आपके बिना इनकी ज़िंदगी नहीं कटेगी। सो आप दोनों ही दूसरे से बहुत ऑब्सेस्ड हैं, ऐसी एक एनर्जी दिख रही है। आपकी एनर्जी में मुझे हायरोफेंट दिख रही है। आप इस इंसान से मैरिज करना ज़रूर चाहते हैं, लेकिन आप ऐसा हो सकता है कि आप किसी और से मैरिड हैं, या फिर ये इंसान किसी और से मैरिड है, ऐसा हो सकता है, लेकिन आप बहुत ग्रो कर रहे हो इस रिश्ते में। जैसे ही इंसान आपकी लाइफ में आए, आपकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो गई है, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हो, बहुत अपने अंदर चेंजेस लेके आ रहे हो, बहुत ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, बहुत कुछ सीख रहे हो, बहुत मैच्योर हो रहे हो, ऐसी एनर्जी आपकी है। ठीक है, आप अपनी ओवरऑल लाइफ में एक बैलेंस लेके आने की कोशिश कर रहे हो। जो भी अप डाउन आपके लाइफ में हैं, या फिर जो भी चीज़ें सही नहीं हैं, उसको आप बैलेंस में करने की कोशिश कर रहे हो, ऐसी एनर्जी आपकी है। सो आपकी एनर्जी एकदम क्लियर एंड पॉजिटिव है, जो है वही आप दिखा रहे हो, लेकिन ये इंसान जो है अंदर जो है वो बिल्कुल अलग है, और जो दिखा रहे हैं वो बिल्कुल अलग है। यू नो अंदर इनके बहुत फीलिंग्स, बहुत रोमांस, आपको बहुत इज्जत से देखना, आपको बहुत अच्छी एक एनर्जी में देखना, या फिर आपको अपने लाइफ में, अपने फ्यूचर में देखना, अपनी लाइफ में आपको हमेशा के लिए रखना, ऐसी एनर्जी है, लेकिन दिखा ये इंसान कुछ और रहे होंगे। ठीक है,
सो ये चेंज चाहते हैं आपसे, आपसे और इस रिश्ते में जो भी अभी की सिचुएशन है उसमें ये इंसान एक चेंज चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। टू ऑफ कप्स की एनर्जी है, इनको ये बहुत अच्छे से पता है कि इनके एफर्ट्स नहीं रहे हैं इस रिश्ते में, इसलिए रिश्ता ख़राब हुआ है। सो ये इंसान जो है ना इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, जैसा आप इनसे जैसे आप इस रिश्ते में एफर्ट्स लगाते हो वैसे ही एफर्ट्स ये इंसान भी लगाना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। जो भी नई नेगेटिविटी इनके अंदर है उनको ये लेट गो करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। और आपकी एनर्जी है गिल्ट, पता नहीं कोई चीज़ का गिल्ट आपके अंदर है, जो कि आपको ऐसा लग रहा है कि मे बी आपने ट्रस्ट नहीं किया इस इंसान के ऊपर, आपको ट्रस्ट करना चाहिए था लेकिन आपने नहीं किया, किसी ने कुछ बोला आपने मान लिया, वो एक गिल्ट हो सकता है आपके अंदर। अब आप ट्रस्ट करना चाहते हो इस इंसान के ऊपर, ठीक है, अब आप विश्वास करना चाहते हो, एक मौका देना चाहते हो, ऐसी एनर्जी है। आप इस जर्नी को एक्सप्लोर करना चाहते हो इस इंसान के साथ। सो मुझे यहाँ पर बहुत लोग जो है वो स्पिरिचुअल जर्नी में दिख रहे हैं, और यू नो स्पिरिचुअल जर्नी में एक कार्मिक साइकिल ज़रूर होता है जब एक दूसरे को हर्ट करते हो आप। सो आप दोनों ही दूसरे को बहुत हर्ट किए हो, जिससे आपको ये समझ में आ रहा है कि कुछ कर्मा था आप दोनों के बीच जो कि ख़त्म हो गया है, अब जो है आप दोनों को एक दूसरे का प्यार चाहिए, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। सो ओवरऑल जो एनर्जी दोनों की एनर्जी है, म्यूचुअल एनर्जी, वो है टोटैलिटी। आप दोनों एक दूसरे से मिल के कंप्लीट होना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करना चाहते हैं, अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्रोमाइज़ चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है, ब्यूटिफुल। सो हम गाइडेंस ज़रूर देखेंगे आपके लिए, ठीक है। Divine, please guide for my group one. Please guide my dear angels. क्या करना चाहिए आप लोगों को? Divine, please guide. मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए Divine? One more time, please. एक ग्रोथ, एक सक्सेस जरूर चाहते हैं इंसान, ये इंसान मुझे ऐसा लग रहा है। Your prayers are being answered. Your prayer are being received by the divine. Answer will come soon, although perhaps in forms you didn't expect. So, आपने जो भी prayer किए हैं ना इस रिश्ते के लिए, अपने partner के लिए, वो सब कुछ divine तक पहुँचा है। Divine ये कह रहे हैं answer आपको बहुत जल्दी मिलेगा, और unexpected कुछ ऐसा होगा जो कि आपने expect नहीं किया होगा, कुछ ऐसा outcome जो कि आपने expect नहीं किया है। Divine आपको ये कह रहे हैं, ठीक है। Embrace your life purpose. I am guiding you towards your divine life purpose. Whatever makes you heart joyful is what you are meant to be doing. So, आपको अपने life purpose की तरफ interest दिखाना होगा ताकि ये रिश्ता heal हो पाए। So, अगर आप past life connection में हैं, spiritual connection में हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ आपका life purpose होता है जिसके चलते आप spiritual journey में आते हो। So, आपको उसको continue करना है। क्या है आपका life purpose? जो चीज़ में आपको बहुत खुशी मिलती है उन चीज़ों को लोगों से शेयर करें, चाहे वो आर्ट हो, यू नो कोई टैलेंट हो, या फिर कोई नॉलेज हो, कुछ भी हो लोगों से शेयर करें, फाइनेंस हो, कुछ भी हो, ठीक है। डोंट सेटल फॉर लेस, यू आर अ चाइल्ड ऑफ डिवाइन एंड यू डिजर्व टू हैव योर ड्रीम्स कम ट्रू, डोंट गिव अप। सो डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि गिव अप मत कीजिए, आप लेस के लिए सेटल मत कीजिए, कम में एडजस्ट करने की ज़रूरत आपको नहीं है, ठीक है। सो जो भी आप चाहते हैं अपने पार्टनर से वो पूरी तरह वैसे ही आपको मिलेंगे जैसा आप चाह रहे हो। सो आपको लेस में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना कि ठीक है हम ही एडजस्ट कर लेंगे, अगर ये एडजस्ट नहीं कर रहे हैं तो नहीं, गिव अप मत कीजिए। जैसे एनर्जी आपकी है उसको कंटिन्यू रखिए, जैसा आप चाहते हैं डिवाइन वैसे ही आपको आपके पार्टनर देंगे, डिवाइन आपको ये अश्योर कर रहे हैं, ओके। सो ये थी ग्रुप वन की रीडिंग, आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आप लोगों को, मिली है तो लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें ताकि फ्यूचर अपडेट्स आप मिस ना करो। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। हेलो टू ग्रुप टू, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आप अर्थ साइन, अगर आप वाटर साइन और अर्थ साइन हैं तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। सो आप टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज अगर हैं, आपके कहीं भी प्लेसमेंट अगर आपकी ये राशियां हैं तो आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हो सकती है। लेट्स चेक कि आपके पार्टनर जो हैं वो आपसे क्या चाहते हैं, फीलिंग्स, इंटेंशन क्या रहेंगे उनके। Divine, please guide my dear angels, talk to me please. मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स के फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या है। Divine, please guide my dear angels, talk to me please. One more time please.
ओके मेरे व्यूअर्स की फीलिंग्स और इंटेंशन क्या हैं डिवाइन, क्या होंगे मेरे व्यूअर्स के एक्शन, क्या चाहते हैं मेरे व्यूअर्स उनके पार्टनर से, डिवाइन प्लीज गाइड मी एंजल स्टॉप टू, क्या चाहते हैं मेरे व्यूअर्स अपने पार्टनर से, डिवाइन प्लीज गाइड वन मोर टाइम प्लीज. वाह क्या बात है. दोनों को ही टेन ऑफ पेंटिकल्स चाहिए. एनर्जी दोनों की ऐसी है कि दोनों को ही सक्सेस चाहिए, आगे बढ़ना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है. टेम्परेंस, सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन. Some more guidance, please, divine. One more time, please. Experience healing. Exhaustion and celebration. Patience. ओके सो आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन. टॉरस बहुत स्ट्रांग दिख रहा है मुझे यहाँ पे. लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी एरिस लियो सैजिटेरियस कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस. यस नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो है 7, 10, 5, 3, 21, 9, 10 बोल दिया मैंने, 4, 7, 14, 8, 3, 10, 5, 9, 3. ओके सो मुझे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है अपने लाइफ में, ओवरऑल लाइफ में एक अबंडेंस चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं, लग्जरी चाहते हैं, बहुत सारा पैसा चाहते हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है. ठीक है, लेट्स क्लेरिफाई इट. कहाँ चाहते हैं डिवाइन अबंडेंस ये इंसान. वन मोर टाइम प्लीज. जहाँ भी इंसान उदास थे वो एनर्जी को ही चेंज करना चाहते हैं. जहाँ भी इनको जस्टिस नहीं मिला है ये चेंज करना चाहते हैं उस एनर्जी को. सो ये ऐसी एनर्जी है जहाँ पे अगर इनको खुशियाँ नहीं मिल रही थी, इमोशनली अगर ये इंसान सेटिस्फाइड नहीं थे, इनकम्प्लीट फील कर रहे थे, तो ये वहाँ पर काम करना चाहते हैं और वहाँ फुलफिल्ड होना चाहते हैं, इमोशनली सेटिस्फाइड होना चाहते हैं. ठीक है, जहाँ भी इनको लगता है कि इन्होंने बहुत एफर्ट्स लगाए और इनको वो रिजल्ट नहीं मिला जो कि ये चाहते थे, उन सारी जगह ये इंसान अबंडेंस चाहते हैं, जस्टिस चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है. बहुत ज़्यादा खुशियाँ चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी. ठीक है, फीलिंग्स में ये बहुत प्रैक्टिकल दिख रहे हैं, इमोशनल इन्वेस्टमेंट इनका नहीं दिख रहा है. अगेन किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है. बहुत ज़्यादा ये इंसान जो है ना प्रैक्टिकल होंगे ऐसा लग रहा है. ठीक है, मतलब प्रैक्टिकल डिसीजंस होंगे इनके, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली इन्वॉल्व होंगे आपके साथ इस रिश्ते में, ऐसा लग रहा है इनको देख के. सो यू नो इस टाइम मुझे लग रहा है कि इंसान अपने पैसे को, अपने लग्जरी को, अपने लाइफ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, ऐसी एनर्जी है. हालांकि ये इंसान जो है आपके साथ यू नो ग्रो करना चाहते हैं, फ्यूचर देख रहे हैं, ऐसी एनर्जी ज़रूर है. आप इनके विश फुलफिलमेंट ज़रूर हो. ये इंसान जो है ना प्रोवाइडर ज़रूर बनना चाहते हैं. फीलिंग्स इनकी ऐसी है कि प्रोवाइडर बनना चाहते हैं. जो भी चीज़ आप इनसे चाहते हो वो ये इंसान करना ज़रूर चाहते हैं, लेकिन बहुत प्रैक्टिकली. इमोशनली ये इंसान जो है थोड़ा सा इन्वेस्ट करने से पीछे हटेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है. ठीक है, बहुत फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना या फिर बहुत रोमांटिक होना, यू नो अपने दिल की बात को बहुत खुल के बोल देना, ये सब ये इंसान नहीं करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है. प्रैक्टिकल होंगे बहुत ज़्यादा. ठीक है, टू ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे है. ये इंसान जो है ना
आपके साथ इन्वेस्ट ज़रूर करेंगे अपने अपने एनर्जीज़ को, अपने इमोशंस को, फीलिंग्स को, लेकिन ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल होंगे। मतलब पूरी तरह से एक होता ना कि रोमांटिकली इन्वॉल्व होना या इमोशनली एफर्ट्स लेना, ऐसा नहीं करेंगे इंसान। कभी रोमांटिक होंगे, फिर कभी प्रैक्टिकल बिहेव करेंगे, फिर कभी रोमांटिक होंगे, फिर प्रैक्टिकल बिहेव करेंगे, ऐसी एनर्जी रहेगी। सो कभी आपकी एनर्जी से ये मैच करने की कोशिश करेंगे, कभी बहुत ज़्यादा यू नो प्रैक्टिकल हो जाएंगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। ठीक है, सो यस, मुझे ये दिख रहा है हायरोफेंट की एनर्जी यहाँ पे क्यों है डिवाइन। इंटेंशन इनके ऐसे है ना कि इनको आपसे मैरिज करना है, आपके साथ इनको ग्रो करना है, ऐसी एनर्जी ज़रूर है। लेकिन ये इंसान ऐसे इंसान हो सकते हैं जिनको सोसाइटी का बहुत डर है, क्या कहेंगे लोग वाली रोग इनको बहुत ज़्यादा है। सोसाइटी कॉन्शियस है, इमेज कॉन्शियस है, लोग क्या कहेंगे, ऐसे नहीं कर सकते, वैसे नहीं कर सकते, ऐसी एनर्जी इनकी। हालांकि इंटेंशन में एक मैच्योरिटी ज़रूर है, आपके साथ एक मैच्योरिटी के साथ ग्रो करना चाहते हैं ये इंसान, ऐसी एनर्जी ज़रूर है। लेकिन बहुत इमेज कॉन्शियस होने के कारण जो है ना प्रैक्टिकल बिहेव करेंगे या फिर आपको भी रोकेंगे, ये मत करो, वो मत करो, ऐसे मत दिखाओ, वैसे मत करो, यू नो ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी। सो ये इंसान एक स्टेबिलिटी ज़रूर चाहते हैं, एक मैच्योरिटी ज़रूर चाहते हैं इस रिश्ते में आपके साथ, अपनी एनर्जीज को चेंज करना ज़रूर चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी है जो कि एक बैलेंस को बता रही है, एक रीयूनियन को बता रही है। सो इंटेंशन इनके ऐसे हैं कि हमेशा ये इंसान आपके साथ यूनियन में रहना चाहते हैं, मैच्योरिटी के साथ। कोई इमैच्योर एनर्जी ये इंसान नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये इंसान जो है ना स्पिरिचुअली आपके साथ ग्रो करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। इंटेंशन में इनके बहुत रोमांटिक आपको ऑफर दें, कहीं डेट पे लेके जाएं, आपके साथ कोई क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, ऐसे इंटेंशंस हैं इनके। लेकिन ये इंसान जो है कभी थोड़ा रोमांटिक होंगे, फिर कभी प्रैक्टिकल हो जाएंगे, फिर कभी रोमांटिक होंगे, फिर प्रैक्टिकल हो जाएंगे, ऐसा फ्लक्चुएट करेगी इनकी एनर्जी, मुझे ऐसा दिख रहा है। ठीक है, थ्री ऑफ वॉन्स की एनर्जी यहाँ क्यों है डिवाइन। ये चाहते हैं कि आप इनको अपने फ्यूचर में ज़रूर देखें, इनके साथ आप फ्यूचर ज़रूर देखें, ये आपसे ये चाहते हैं। ठीक है, ये चाहते हैं कि आप जिस तरह से इनके साथ खुश थे पहले, उसी तरह से आप इनके साथ खुश रहें, आपकी खुशियाँ इनसे हो, ये इंसान चाहते हैं आपसे। अपने मन में कोई बात आप ना छुपाएं, ये आपसे ये चाहते हैं। ठीक है, सो इनकी फीलिंग्स ऐसी हैं कि ये इंसान जो है आपको रोमांटिकली कोई ऑफर देना चाहते हैं, आपके साथ इमोशनली इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन ये इंसान प्रैक्टिकल होंगे, बहुत इमोशन को इमोशनली यू नो बहने से खुद को रोकेंगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, और आपसे ये इंसान यही चाहते हैं कि आप इनको अपने फ्यूचर में देखो, फ्यूचर प्लान करो आप इनके साथ, और मन में कोई बात नहीं रख के जिस तरह से आप इनके साथ खुश रह रहे थे पास्ट में, उसी तरह से आप खुश रहो। ये इंसान आपको एक आइडियल हस्बैंड या वाइफ के रूप में ज़रूर देखते हैं, आपके साथ एक ग्रोथ ज़रूर चाहते हैं, लेकिन इनको थोड़ा सा ऑब्स्टिकल लग रहा है यहाँ पे। ऑब्स्टिकल ये हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ पे प्रेग्नेंट हो सकते हैं, या आप या आपके पार्टनर, जो कि उनको ऑब्स्टिकल लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे कुछ लोग जो हैं अलग किसी से मैरिड हो सकते हैं, आप किसी और पर्सन से मैरिड हो सकते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। और यू नो एक ग्रोथ आपके साथ इनको नहीं मिलेगा, ये ऑब्स्टिकल लग रहा है इनको। ठीक है, सो यस, आपकी तरफ से भी मुझे फैमिली ऑब्स्टिकल दिख रहा है, और इनकी तरफ से भी मुझे फैमिली ऑब्स्टिकल दिख रहा है। सो ऐसा हो सकता है कि या तो आपकी मदर या इनकी मदर जो है वो ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रही है, या फिर आपके स्पाउस या इनके स्पाउस ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए आप प्रेग्नेंट है, जो कि इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है, फिर ये इंसान प्रेग्नेंट है, जिससे कि इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है आपके साथ कनेक्ट करना। ठीक है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। एक्शन में यहाँ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ये इंसान जो है ना आपको बहुत ज़्यादा सर्वगुण संपन्न वाली एनर्जी में देखते हैं। आप एक ऐसे इंसान हैं इनके लाइफ में जो कि सर्वगुण संपन्न है, सारी खूबियाँ सारी क्वालिटी आप में हैं, ये ऐसा चाह रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये चाहते हैं कि आप जॉब करें, आप फाइनेंशियली ग्रो करें, आप फाइनेंशियल स्टेबल हों, ये चाहते हैं। ठीक है, टेम्परेंस की एनर्जी है, कुछ बैलेंस भी चाहते हैं इंसान आपसे। कुछ चीज़ों को ये चाहते हैं कि आप छोड़ दें, जैसे आपका गुस्सा हो सकता है बहुत, आपका ईगो हो सकता है, या फिर आपका शक करना, या फिर आपका ओवर पॉजिटिव होना। सो ये इंसान चाहते हैं कि कुछ ऐसे चीज़ों को आप छोड़ें, जिससे कि ये रिश्ता जो है वो हील हो पाए, वो बैलेंस क्रिएट हो पाए इस रिश्ते में, ये इंसान ये चाहते हैं। ठीक है, रोमांटिकली आप दोनों ही इन्वॉल्व रहें, ये इंसान ये चाहते हैं आपसे। ये इंसान चाहते हैं कि आप रोमांटिकली इनसे कनेक्टेड रहें, इन्वॉल्व रहें, इमोशनली आप इनसे कनेक्टेड रहें, ये चाहते हैं आपसे। ये जो है ना, ये इंसान, इनको आपसे मिलके एक विश फुलफिलमेंट फील होता है, इनको बहुत खुशी फील होती है अंदर से, ये इंसान बहुत खुश होते हैं आपसे मिलके। ठीक है, सो इनको ऐसा लगता है कि ईश्वर ने आपको इनके लिए ही बनाया है, इनकी खुशियों के लिए, इनको ऐसा लगता है। ठीक है,
सो आपकी भी एनर्जी जो मैं देख रही हूँ वो ऐसी ही है। आप अपने ओवरऑल लाइफ में खुशियाँ चाहते हो, आप अपने ओवरऑल लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हो, अबंडेंस चाहते हो, ऐसी एनर्जी है। फीलिंग्स में आपकी ऐसी है कि आप इस इंसान को बहुत संभाल के रखना चाहते हो, आप इनके लिए बहुत पॉजिटिव हो सकते हैं, लेकिन यहाँ आपका हार्ट चक्र मुझे ब्लॉक दिख रहा है। सो आपको कहीं ना कहीं अपने हार्ट चक्र पर काम करने की ज़रूरत है। हार्ट चक्र हील आप कैसे करोगे? ग्रीन चीज़, ग्रीन कलर को अपने लाइफ में इंक्लूड कीजिए, खाने में, पहनने में, यू नो, ड्रेस ग्रीन, वेजिटेबल्स ग्रीन, ऐसे ग्रीन कलर्स को ज़्यादा से ज़्यादा अपने लाइफ में इन्वॉल्व कीजिए ताकि आपका हार्ट चक्र जो है वो बैलेंस हो पाए। ठीक है, सो आपकी एनर्जी ऐसी हो गई होगी अब कि आपको किसी से प्यार फील नहीं होता, ना इस इंसान से, ना किसी और से। सो गिविंग और रिसीविंग वाली एनर्जी में भी आप नहीं हैं। ओके, ऐसी एनर्जी है। इंटेंशन क्या है आपके? आप वेट कर रहे हो इस इंसान का, आपने एक बीज लगा दिया है, अब आप फल का इंतज़ार कर रहे हो, ऐसी एनर्जी आपकी देख रही हूँ मैं। आप इंतज़ार कर रहे हो कि इंसान आए और कुछ पॉजिटिव करे, कुछ चेंजेस करे पॉजिटिव, इसी का आप वेट करके खड़े हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आपने बहुत इन्वेस्ट किया इस रिश्ते में, आपने बहुत एफर्ट्स लगाए हैं, अब आप देखने के लिए खड़े हो कि ये इंसान अपनी तरफ से क्या एफर्ट्स लगाते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। इनसे क्या चाहते हो आप? आप चाहते हो इमोशनली ये इंसान इन्वेस्ट करें, ये इंसान हमेशा प्रैक्टिकल नहीं रहे, प्रैक्टिकली ही इन्वॉल्वमेंट ना दें, प्रैक्टिकल एफर्ट्स ही ना लें, बल्कि कुछ इमोशनल एफर्ट्स भी इनके हो, इमोशंस भी ये इंसान इन्वेस्ट करे इस रिश्ते में, आप ये चाहते हैं। कुछ लोग प्रपोजल चाहते हैं, मैरिज का प्रपोजल, कोई लव प्रपोजल, रोमांटिक प्रपोजल, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, ऑब्स्टिकल आपकी तरफ से भी मुझे फैमिली दिख रही है, या तो आपकी फैमिली या तो इनकी फैमिली, या तो आपके फैमिली मेम्बर्स या इनके फैमिली मेम्बर्स जो है वो ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रहे हैं आप दोनों के रिश्ते में, मुझे ये दिख रहा है। ठीक है, आप इनसे इमोशनली एक न्यू बिगनिंग चाहते हो, रोमांटिकली इमोशनली। सो आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप अगर ये इंसान ऑफर नहीं दे रहे हैं कुछ, तो आप सामने से इनको ऑफर दे दोगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो विद इन 15 डेज मुझे आपकी तरफ से कोई ऑफर जाता दिख रहा है आपके पार्टनर को, या आपकी तरफ से कोई ऑफर जाता दिख रहा है आपके पार्टनर को। ये कोई रोमांटिक डेट हो सकता है, मैरिज का प्रपोजल हो सकता है, कुछ रोमांटिक प्रपोजल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो कि रोमांटिक हो। ठीक है, ऐसी एनर्जी। सो आप अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, आप अपने कुछ नेगेटिविटीज़ को रिलीज़ करने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी आपकी है। ठीक है, आपके पार्टनर की एनर्जी में करेज है, ये इंसान जो है ना अभी आपके साथ करेज के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, एक्सपीरियंस करना चाहते हैं अपने लाइफ को, इस जर्नी को, और हीलिंग चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है आपके साथ। ठीक है, आपकी एनर्जी में जो मैं देख रही हूँ, आप पास्ट में स्टक हैं, या तो पास्ट की चीज़ों को अभी तक आपने रिलीज़ नहीं किया है, जो भी आपके पार्टनर के साथ आपकी कॉन्फ्लिक्ट हुई थी, जो भी चीज़ें ख़राब हुई थी उसको या तो आपने रिलीज़ नहीं किया है, या तो आपने हील नहीं किया है, आप अटक गए हो पास्ट में ही, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, इसलिए आप पास्ट को सोच सोच के एग्जॉस्ट हो रहे हो, ऐसी एनर्जी आपकी है। हालाँकि आप सेलिब्रेशन सक्सेस ज़रूर चाहते हैं इस लाइफ में इस इंसान के साथ, लेकिन आप जो है पास्ट में ही अटके हैं, इसलिए आपका जो हार्ट चक्र है ना वो ब्लॉक है, क्योंकि आप पास्ट से निकल नहीं रहे हो, उन्हीं चीज़ों को बार बार याद करने से आपका हार्ट चक्र जो है वो ब्लॉक होते जा रहा है। सो आपको पास्ट को रिलीज़ करना है और अपने हार्ट चक्र को हील करना है, ताकि आप गिविंग और रिसीविंग एनर्जी में आ पाओ। ओके, ओवरऑल जो एनर्जी है मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत प्यार होने के बावजूद भी दोनों एक दूसरे की फीलिंग्स को सप्रेस्ड करेंगे, खुल के एक्सप्रेस करने वाली एनर्जी मुझे यहाँ नहीं दिख रही है। हालाँकि आपकी एनर्जी एस ऑफ कप्स की है, लेकिन फिर भी म्यूचुअल एनर्जी में सेपरेशन की एनर्जी है, जहाँ कि आप दोनों ही एक दूसरे की फीलिंग्स को सप्रेस कर रहे हो, खुल के एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो बल्कि उसको दबा रहे हो, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, सो कुछ गाइडेंस हम देखेंगे कि डिवाइन क्या कहना चाहते हैं। डिवाइन प्लीज गाइड फॉर माय ग्रुप टू। मुझे बहुत रेयर किसी के लिए ऐसा लग रहा है ना, कुछ ऐसा है आपको जो आप कंसीव नहीं कर पाएंगे, और यही ऑब्स्टिकल है इस रिश्ते में, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान चाह के भी आपके साथ नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि आप कंसीव नहीं कर पाएंगे। कोई गायनिक इशू हो सकता है आपको, मुझे कुछ एक 2% के लिए चैनल मैसेज है, आई डोंट नो किसके लिए है ये, लेकिन किसी के लिए है। ठीक है, सो इसलिए इंसान आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं, इनको फैमिली से प्रेशर आ रहा है, कि ऐसा नहीं होगा तो फिर क्या होगा, वंशज कैसे बढ़ेगा, वंश कैसे बढ़ेगा, all those things. Trust your angels, let go of your expectation of how your dreams will come true, trust that heaven has a perfect plan. Okay, मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी चैनल हो रहा है मैसेज, इनकी वाइफ या हस्बैंड, अगर ये मेल है तो इनकी वाइफ
जो है वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, कंसीव नहीं कर सकती है। और अगर ये इंसान आपके साथ आगे बढ़ेंगे तो उनकी वाइफ का दिल टूटेगा, इसलिए क्योंकि वो कंसीव नहीं कर सकती, उनको लगेगा सिर्फ इसलिए आपके पर्सन जो है उनको छोड़ के आपके पास आ रहे हैं। अगर ये फीमेल है तो इनको ऐसा लग रहा है कि कंसीव नहीं करने के बावजूद भी उनके हस्बैंड उनको बहुत अच्छे से रखे हैं, और अगर इसके बावजूद भी वो आपके पास आएंगे तो उनका दिल टूटेगा। सो कुछ लोगों के लिए ये रेजोनेट करेंगी, ये चैनल मैसेज है, कुछ लोगों के साथ ही रेजोनेट कर सकती है, एक या दो लोगों के साथ या फिर एक या दो पर्सन के साथ, ठीक है। सो यस, ट्रस्ट दैट हेवन हैज़ अ परफेक्ट प्लान। आपके जो प्लान्स, जो भी आप चाह रहे हो डिज़ायर आउटकम, अगर वो नहीं हो रहा है तो सरेंडर कीजिए। जहाँ आपके इच्छाएं पूरी नहीं होती, जहाँ आपका प्लान काम नहीं करता है, वहाँ डिवाइन का प्लान आपके लिए परफेक्ट होता है, आपके लिए बेस्टेस्ट होता है वो, ऐसा ट्रस्ट रखें, ठीक है। योर प्रेयर्स आर बीइंग आंसर्ड। आपने प्रेयर किया है बहुत इस रिश्ते के लिए, और डिवाइन आपको ये गाइड करना चाहते हैं कि आपने जो प्रेयर किया है वो प्रेयर आंसर जो है वो आपके लिए आ रहा है। जो भी आप चाहते हैं वही होगा, आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, और जो प्रेयर आप कर रहे हैं वो करते रहें कंटिन्यू, और ऐसा कुछ होगा जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया है, डिवाइन आपको ये अश्योर कर रहे हैं, ठीक है। चेंज इज़ कमिंग, आई एम हेयर टू गाइड यू थ्रू दिस एक्साइटिंग ट्रांसफॉर्मेशन, दिस इज़ अ टाइम ऑफ जॉयस अपॉर्चुनिटीज़। सो डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि ये जो चेंज, ये जो टाइम है ना, ये चेंज का टाइम है, तो आपके लाइफ में चेंजेस आ रहा है जिसको आपको एक्सेप्ट करना है। सो डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि वो आपके साथ हैं इस एक्साइटिंग ट्रांसफॉर्मेशन में, और ये जो है अभी सिर्फ खुशियों का समय है, डिवाइन आपको ये अश्योर कर रहे हैं, ठीक है। ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे, सो ब्यूटीफुल एनर्जी, क्लेम कीजिए इस एनर्जी को। सो ये थी आज की रीडिंग, आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आप लोगों को इस रीडिंग से। मिली है तो लाइक और शेयर करें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।